भाई यहाँ पे गूगल आप लोगों को दे रहा है 1150 सब्सक्राइबर बिल्कुल फ्री, और किस तरीके से दे रहा है वो भी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो भाई गूगल के अंदर एक ऐसा फीचर आ चुका है जिससे आप लोगों के चैनल पे 1150 सब्सक्राइबर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और ये मौका अभी के लिए, जिन लोगों को अगर ये लग रहा है कि ये वीडियो फेक है तो अभी वो वीडियो छोड़ करके जा सकता है। भाई आप लोग काफी टाइम से मेहनत करते हो, आप लोगों को सालों साल लग जाता है लेकिन आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर अपने चैनल पर मेहनत कर रहे हो, आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो किस तरीके से आप लोगों को गूगल की इस सेटिंग का फायदा उठा करके आप लोगों को अपने चैनल पर बहुत सारा सब्सक्राइबर बढ़ाना है। एंड इस तरीके से आपका सब्सक्राइबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका व्यूज भी बढ़ेगा। क्या तरीका है, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट आप लोगों को कर देना, और हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर का गिव अवे चल रहा है, तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है क्योंकि आपका नाम भी आ सकता है। बाकी बढ़ते हैं यहाँ पे अपने वीडियोस की ओर। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये तरीका इतना जेन्युइन है, इससे मैंने अपने कई चैनल पे किया भी है। देखो इसलिए तरीका इतना जेन्युइन है ना, इस तरीके से बहुत सारे चैनल पे मैंने पहले भी सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं। एंड गूगल का ना ये सेटिंग हर किसी को नहीं पता है, किसी किसी को पता है। एंड आज ना आप लोगों को भी ये चीज़ पता लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर एंड देखते हैं। तो भाई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप लोगों को करना क्या, देखो दोस्तों आपके फ़ोन में एक तो होता है गूगल क्रोम, ठीक है, लेकिन इससे हमारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप लोगों को करना क्या, प्ले स्टोर को ओपन करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को सर्च क्या करना है, गूगल क्रोम, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, GOOGLE गूगल क्रोम, गूगल क्रोम हमने लिखा तो यहाँ पे एक तो ये गूगल क्रोम आता है, ठीक है, तो इसका हमारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको डाउन करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्रोम बीटा। ठीक है, तो काम सारा इसका है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है, 9 MB का है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम फटाफट से। तो फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे फ़ोन में, अब आप लोगों को करना क्या, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसको ओपन कर लिए। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे साइन इन करने के लिए आएगा, तो हम यहाँ पे कुछ इसको साइन इन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने इसको साइन इन भी कर लिया एंड गॉट इट कर दिया। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ सर्च करना है। अब सर्च क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है NIME, ठीक है, NIME TOOLS नीम टूल्स यूट्यूब। ठीक है, इतना आप लोगों को लिखना है एंड यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, फ्री यूट्यूब बैकलिंक जनरेटर क्वालिटी वीडियो बैकलिंक। ठीक है, एंड दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है फ्री यूट्यूब शॉर्ट्स बैकलिंक क्वालिटी जनरेटर। ठीक है, यानी कि आप लॉन्ग वीडियो क्रिएटर हो या शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हो तो वो आप देख लेना भाई, आप जैसा वीडियो बनाते हो उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एंड यहाँ पे हम आ गए अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, एंड यहाँ से मैं अगर अपनी लॉन्ग वीडियोस को प्रमोट करता हूँ तो भाई पहली वाली वेबसाइट, अगर शॉर्ट वीडियो को प्रमोट करता हूँ तो दूसरी वाली वेबसाइट। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैं अपने एक शॉर्ट वीडियो को प्रमोट करूँगा, तो यहाँ से मैं अपने एक शॉर्ट वीडियो का लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस पर गया मैं एंड यहाँ पर इस वीडियो का लिंक को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इस तरीके से भाई आपको जिस तरीके का आपको वीडियो प्रमोट करना है, जिस तरीके का आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, अगर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हो तो आप लोगों को सेकंड वाली वेबसाइट का यूज़ करना है, अगर फर्स्ट वाली वेबसाइट का यूज़ करते हो तो आपको लॉन्ग वीडियो क्रिएटर होना चाहिए, यानी आप लॉन्ग वीडियो बनाने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे शॉर्ट वीडियो हम बनाने वाले, तो यहाँ पे हम सेकंड वाली वेबसाइट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप एनी वर्ड विद SEO टूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी आपका वीडियो का टॉपिक है वो लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरा था मैजिक करो। ठीक है, जो भी आपका टाइटल हो बस वो लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए, चलिए हमने लिख दिया एंड यहाँ पे लिख देने के बाद कुछ इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा इंटरनेट भी स्लो है। एंड आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो लिंक। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपने वीडियो का लिंक को यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोगों को सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे ग्रुप्स में आपका वीडियो को शेयर किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 99 से भी ज़्यादा ग्रुप्स में आपका वीडियो को शेयर किया गया है। अब आप लोगों को कैसे देख कैसे सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो पहले के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये रहा, इस वाली वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ पर हमारा वीडियो शेयर किया गया है।
एंड देखो अगर आप लोगों को दिखा देता हूँ, यकीन करवा देता हूँ, देखो जैसे कि इस वेबसाइट से अगर यहाँ पे जो जो बड़ा सा ग्रुप है ठीक है, इसके अगर यहाँ से कोई भी हमारा वीडियो देखना चाहे तो कैसे देखेगा, डायरेक्टली यूट्यूब से भी देख सकते हैं। देखो जब ऐसे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली यूट्यूब पे आ जाएगा हमारा वीडियो देखने के लिए, एंड यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। तो देखो यहाँ से इतना फ़ायदा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा कि भाई आप यहाँ से देखो इसी तरीके से मैंने शेयर करके अपने वीडियोज़ पे 8000 से भी ज़्यादा व्यूज़ लेकर के आया है 8 घंटे के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना व्यूज़ भी लेकर के आया हो इसी तरीके से ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने चैनल पे व्यूज़ ला करके सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो ठीक है। इसी तरीके को यूज़ कर करके हमने बहुत सारा सब्सक्राइबर अपने चैनल पर गेन किया, एंड मैं अपने हर एक चैनल पर दिखा चुका हूँ 8000, 10000, 12000 सब्सक्राइबर है। तो भाई तरीका यूज़ करोगे तो आपका भी बढ़ जाएगा, एंड ये सीक्रेट तरीका होता है, ये हर कोई नहीं बताता है। तो इस तरीके से आप लोग अपने चैनल पर सब्सक्राइबर को भी बढ़ा सकते हो। सो देखा दोस्तों आपने गूगल की इस सेटिंग का यूज़ करके आप लोग कितने आसानी से अपने चैनल पर सब्सक्राइबर को इंक्रीज कर सकते हो। तो भाई ये तरीका हर कोई नहीं बताता है, इस तरीके को फॉलो करके आप लोग अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा।